चेक करो गाइस, हमारी ब्लैक बीस्ट, क्या बात है। ये चेक करो गाइस, पूरा येल्लो येल्लो येल्लो। यहाँ आना पूल करने का अलग ही मजा है, देख रहे हो 70 तो ऐसे ही ऐसे ही। एंड हो सकता है नेक्स्ट कोई अपकमिंग व्लॉग्स में आपको ये देखने को मिले कि हम लोग नया मॉडिफिकेशन का काम शुरू करवा चुके हैं। सो गाइज हम लोग जी फाइनली गुड मॉर्निंग, मतलब गुड इवनिंग भाई, और इतने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम लोग गाइज, समझ रहे हो आप। पता नहीं आपको सही से दिख रहा होगा कि नहीं, जब से हम लोग अनरैपिंग किए उसके बाद ये मोटो व्लॉग है उसके बाद का, क्या बात है। एंड अभी बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 5 या 5:30 बज रहे हैं। फिलहाल दिमाग में चल रहा था कि एक दो व्लॉग बनाई जाए, बहुत होता है ना नॉर्मली घर में रह रहे के दिमाग ख़राब सा हो रहा था, बहुत भयंकर ख़राब। ये आज रोडों में थोड़े भीड़ भाड़ के इलाके हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, जनता के प्यार के लिए ना कुछ भी। एंड हो सकता है नेक्स्ट कोई अपकमिंग व्लॉग्स में आपको ये देखने को मिले कि हम लोग नया मॉडिफिकेशन का काम शुरू करवा चुके हैं। फिलहाल ये क्लोज कॉल्ड, और क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या सेक्सी गाड़ी थी, TVS की कोई गाड़ी है, बहुत सही भाई बहुत सही। एकदम पता नहीं क्यों, मतलब मैं ना डिमोटिवेट हो चुका हूँ पूरा, मतलब YouTube से, जब से मैंने ये अनरैपिंग किया अपने बाइक को। हम लोग कुछ और बेहतरीन कराएंगे गाइज, इस बार हम लोग अपने बाइक में गाइज बहुत बेहतरीन वाला मॉडिफिकेशन कराने वाले हैं। आप लोग गेस करो कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन होगी जो गमहरिया में एट दी वन रहेगी। ये चेक करो रिएक्शन, क्या बात क्या बात। मैं ना ऐसे हाथ हिला हिला के बोल रहा हूँ ना, तो लोग गाइज मतलब लोग अलग ही सोच रहे हैं। देख रहे हो वेस्ट बंगाल की क्या गाड़ी है, देखो 3600 नंबर है, 3600, क्या बात है, कब की गाड़ी है भाई। देखो ऐसा ऐसे रोड है ना, रोड तो सही है, मतलब ड्राइवर प्रो ड्राइवर है, देखो लहराते हुए जा रहे हैं, तो इन्हीं लोगों से लगता है डर। क्या बात है हम, ये देखो लहरू भाई। और ये हम लोग बात करते करते पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट टॉल ब्रिज, एंड ठंडी हवाओं के साथ आज गाइस अपना इंट्रो वहीं पर देंगे भयंकर। हाँ भैया, जो चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ बस यही है, कुछ बातें हैं। ऐसा नहीं है भाई, मेरी गर्लफ्रेंड मतलब मुझे छोड़ के कोई नहीं गया। राइट, फिर लोग बोलेंगे भैया गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके हमको चाट रहे हो फिर तुम। तो फाइनली भाई साहब टॉल ब्रिज के नज़ारे, यहाँ आना पुल करने का अलग ही मज़ा है, देख रहे हो 70 तो ऐसे ही नॉर्मली, बट हम इससे ऊपर जाएंगे नहीं, बिकॉज दिन ख़राब है और दुनिया भी ख़राब है। ये चेक करो क्या जल रहा है, चकमगा रहे हैं मतलब। ये जब हैजार्ड जानते हैं ना, मतलब अलग ही पावर आता है भाई राइडर्स को कि हाँ भयंकर अभी फाड़ देंगे एकदम। बस यही कारण है भाई, मोटो व्लॉगिंग इसी से तो प्यार हो चुका है ना। कि मुझे बाकी सब कुछ से दिक्कत है ऐसा नहीं है, हर एक बाइक सही है भाई। अभी क्या हो रहा था ना, रिसेंटली हम लोग बाइक लेने के लिए सोच रहे थे, एंड हम लोगों ने ड्यूक एडवेंचर, एंड हमने अपना और एक कुछ बाइक था निंजा 300, हाँ ये दोनों में गाइस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। आप लोग कमेंट करो कि हमें क्या लेना है ना जी एडवेंचर के लिए, मतलब थोड़ा लॉन्ग राइड के लिए, ठीक है। देखो निंजा तो सबकी पसंद है, सबका प्यार है, राइट, एंड हम लोग को भी ऐसे ही कुछ लेना है ना जो लोग प्यार करें हमें। भाई साहब क्या बात है क्या बात है, ये लौंडा ना भी जो गया पल्सर से, जान पहचान वाला। देख रहे हो हाथ छोड़ के भैया हेलमेट पहन रहा है।
तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे मार रहे चिल, समझ रहे हो ना। देखो आज का मौसम कुछ इस तरीके का है, दिन में पूरा गर्म एंड रात को हल्का हल्का ठंडा वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे मजे मजे कर रहे, सब कुछ ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा। ये मौसम भी ना सही है, पता है नॉर्मली हवा चलती है, बट यही है कि आपको दिन में लू मारने का बहुत ज़्यादा ये है, बस यही बात है। एंड यहाँ पे ना चिल मारने में क्या मज़ा ही आता, देख रहे हो गाइस। फिलहाल हम लोग यही बताना चाहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, वो इस चीज़ के लिए कि भाई बाइक कौन सी ले, राइट भाई। वहाँ पे ना मेरे को बहुत ऑफर्ड लग रहा था, इसलिए मैंने वहाँ से निकल गया। अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सा आगे में जाके रुकेंगे एंड थोड़ा सा मोटो व्लॉगिंग वहाँ भी कर लेंगे। फ़िलहाल दिन का मज़ा तो अलग ही है भाई, अलग ही स्वैग एकदम। फ़िलहाल लोगों के रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा क्रेजी है, वहाँ चलते हैं, मेन में चलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पहुंचे थे एंड रुके थे यहाँ पे, एंड भाई साहब क्या ही मस्त लग रहा है आज का नज़ारा। ये चेक करो भाई, पूरा येल्लो एंड यहाँ पे कुछ नया बन रहा है। फिलहाल ये अधूरा है या बन चुका है पता नहीं, कुछ भी है। एंड फिलहाल ये चेक करो गाइस, हमारी ब्लैक बीस्ट, क्या बात है। ये हम लोग ने गाइस रैप उखाड़ लिया है, इसका व्हील कवर भी सामने वाला का हमने फ्रंट वाला खोल लिया है व्हील कवर, एंड ये पीछे वाला रहने दिया क्योंकि इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हम लोग सोच रहे हैं कि नया वाला मॉडिफिकेशन कराई है, अब बहुत दिन हो गया भाई, बहुत लोग एक्साइटेड भी है एंड नया राइड भी आएगा बहुत जल्द, क्योंकि गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए, क्योंकि राज भैया अभी थोड़ा सा टेंशन में है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनके घर वालों के, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनल कुछ भी जो भी है। फिलहाल हम लोग जब भी फ्री हो जाएंगे या तो हम लोग बाइक ले के जाए नए राइड के लिए, एंड या तो फिर ऐसा होगा कि डेली ब्लॉग्स छोटे छोटे आएंगे, एक दो दिन में आएंगे या तीन दिन में आएंगे, जो भी है आएंगे तो ज़रूर। एंड फिलहाल आपको गाइस ऐसे ही मज़ा आता रहेगा। फिलहाल जो भी बंदे देख रहे हो ना, प्लीज़ यार लाइक कर देना चैनल को एंड सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर देना। फिलहाल हम लोग अपने बाइक में नेक्स्ट रैप कराने वाले हैं, तो फिलहाल मज़ा सा आने वाला है एंड थोड़ी सी इसकी रील वील भी शूट करते हैं। फिलहाल मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है एंड चलो एंड हम लोग यहाँ से ना निकल गए थे। एंड द थिंग इज भाई साहब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न गाइज, ज़िंदगी में इतनी कन्फ्यूज़न ना हो तो क्या लाइफ है भाई। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल गाइज अभी हम लोगों ने जाना है घर, बहुत सारे काम निपटाने हैं क्योंकि गाइज आज बहुत मौका मिला था। बाय बाय कर देते हैं बच्चे को, खुश हो रहा था कतई, चलो कोई बात नहीं, बहुत लोग खुश हो जाएंगे गाइस हमारा न्यू रैप देख के। फिलहाल गाइस अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से एंड मैं जाना है घर, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है पूरी, देख रहे हो ना पूरा ब्लैक दिख रहा है आपको अभी। सो गाइस आज का मोटो ब्लॉग हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं बिकॉज अभी घर जाना है एंड काम ही काम। फिलहाल कल फिर से मिलते हैं, कहीं और जाएंगे एंड अभी रेगुलर होती रहेगी ब्लॉगिंग, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग का काम रहता है ना फिर कुछ प्रॉब्लम होती है भाई। अब क्या है कि R15 की भी सर्विसिंग कराना है एंड नया बाइक के लिए भी देखना है, न्यू मॉडिफिकेशन का भी काम का देखना है, बहुत चीज़ें गाइस बहुत चीज़। तो फिलहाल गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर ही कर देंगे एंड मिलते हैं आपसे नए तड़कते भड़कते ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ। फिलहाल गाइस हो चुका है रात, सो जाओ सब, सो जाओ बाय।